125 सीसी सेगमेंट में अपनी एग्जिस्टिंग बाइक को कुछ बदलावों के साथ होंडा ने वापस भारतीय बाजारों में इसे रीलॉन्च किया है और इसी के साथ अपने कॉम्पिटिटर्स को करारा जवाब दिया है और ये बताया है कि हम भी किसी से कम नहीं। तो जब होंडा ने इसे लॉन्च कर ही दिया है तो क्या है इसमें नया, क्योंकि ये पहले से चलती आ रही है, अब इसे रीलॉन्च करने का क्या रीजन हो सकता है, BS6 इंजन के अलावा क्या नया देखने को मिलता है, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं चेतन और आप देख रहे आस्क ऑटो गुरु। जैसे मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ा बदलाव BS6 इंजन विद FI, ये बहुत बड़ा इंजन है, यानी कि फ्यूल इंजेक्शन के साथ आपको ये BS6 इंजन प्रोवाइड किया जा रहा है 125 सीसी में। सबसे पहला चेंज इसमें आपको देखने को मिलेगा इसका हेडलैम्प, जो कि पूरी तरह LED है और इसकी वजह से इसका लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। दूसरा बदलाव इसके फ्यूल टैंक पर किया गया है, जो कि ऑल न्यू ग्राफिक्स और टैंक एक्सटेंशन, जो कि इसे एक स्पोर्टी लुक बनाने में काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होते हैं। तीसरा बदलाव इसके साइलेंसर पर किया गया है, जो एक बेहतरीन क्रोम अलाइनमेंट स्ट्रिप, या फिर आप इसे कुछ अलग सा इसे देखने से एक लुक नज़र आ रहा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। चौथा बड़ा बदलाव जो कि मेरे हिसाब से ज़रूरी था, और वो है इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, और ये अब फुल्ली डिजिटल रहेगा, जो कि आपको गियर पोजिशनिंग, फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप मीटर, स्पीड RPM और क्लॉक जैसी तमाम इन्फॉर्मेशंस आपको देगा। साथ ही इसमें ट्यूबलेस टायर्स, अलॉय व्हील्स की डिज़ाइन भी चेंज करी गई है, इंजन किल स्विच भी दिया गया है, ब्रेकिंग में भी यहाँ पे कुछ हद तक पहले के मुकाबले ज़्यादा सुधार करा गया है, जिसमें आपको डिस्क भी मिल जाता है और ड्रम वेरिएंट भी अवेलेबल है, और ये CBS पहले से चलता आ रहा है। ये एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो था, होंडा ने अपनी बाइक लॉन्च करी है तो इसमें इतने ही चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। वैसे देखते हैं इस कंपटीशन के दौर में होंडा अपनी इस नई P125 को किस हद तक सक्सेस कर पाता है। फिलहाल तो हमारे पास इतने ही इन्फॉर्मेशन थी, जब ये गाड़ी लॉन्च हो जाएगी, लॉन्च तो हो चुकी है, जब हमारे नियरेस्ट शोरूम्स में अवेलेबल हो जाएगी तो इसे खुद मैं चलाऊंगा, इसके बाद आपको मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, और भी मार्केट में कई सारे ओनर्स जो इस गाड़ी को लेंगे उनसे भी मैं कॉन्टैक्ट करूंगा और उनका रियल लाइफ एक्सपीरियंस यहां पे आपको शेयर किया जाएगा। वैसे इससे पहले कि यानी कि जो अब ये नई BS6 इंजन के साथ आई हुई SP है, तो जो पहले BS4 इंजन में थी उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस मैं पहले ही मेरे चैनल पर डाल चुका हूं, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हो। तो उस वीडियो को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही कमेंट में मुझे जरूर बताना कि ये गाड़ी आपको कैसी लगी, क्या है आपकी ओपिनियन इन सभी बदलावों के बारे में। संडे कमेंट बॉक्स में कोई इफेक्टिव कमेंट अगर लगती है तो जरूर मैं लूंगा। साथ ही अगर एक चीज मैं बताना चाहता हूं, अगर आपके पास किसी भी तरह के 2-व्हीलर 4-व्हीलर कोई भी व्हीकल है और आप चाहते हो कि उन सभी के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन या फिर सभी के सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। तो फिर से मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।